अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में जो है आपको Redmi Note 10 Pro देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्पेक्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस रखी गई थी। आपको उसके अंदर जो है ग्लास बिल्ड देखने को मिलती थी, 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलता था, प्रोसेसर 732G देखने को मिलता था, बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता था। ओवरऑल पैकेज काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रखा गया था उस वक्त के प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आज के दिन जो है Redmi Note 11 Pro को लॉन्च कर दिया गया है और प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखी गई हैं और स्पेक्स जो है उसके अंदर थोड़ी सी डाउनग्रेडेशन देखने को मिलेंगी और कुछ आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम Redmi Note 11 Pro के लिए बात करने जा रहे हैं कि Redmi Note 11 के अंदर आपको क्या डिग्रेडेशन देखने को मिलती है और क्या अपग्रेडेशन देखने को मिलती है और क्या स्मार्टफोन को आप लोग को कंसीडर करना चाहिए इस टाइम के लिहाज से जिस प्राइस रेंज के अंदर उसको लॉन्च किया गया है। मेरा नाम है सिबगत, आप देख रहे हैं टेक सिटी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए Redmi Note 11 Pro के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली कोई भी जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो पाए। वेल दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं Redmi Note 11 Pro की चंद एक मेन हाइलाइटिंग स्पेक्स से। दोस्तों यहाँ पे आपको 6.67 इंच का आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का पैनल है, पंच होल कटआउट वाला है और यहाँ पे आपको जो है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। हालांकि जनरेशन जो है इस टाइम आगे जा रही है लेकिन Redmi Note 11 Pro के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है प्रोसेसर जो है मीडियाटेक का हीलियो G96 देखने को मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल का बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के आपको दो सेंसर देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी और आपको 67 वाट्स का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रखा गया है लास्ट टाइम की जनरेशन के हिसाब से। थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है और थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा कर दिया गया है इस फोन को। पहला जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैंडी आपको देखने को मिलता था लेकिन अब जो है ये फ़ोन छोटे हाथों वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मसला बनने वाला है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप लुक्स की बात करेंगे तो फ़ोन की लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम निकल के आती हैं, किसी किस्म का भी इशू यहाँ पे नहीं है। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको वाइड वैन एलवन का सपोर्ट देने को मिल जाएगा। ओवरऑल बिल्ड वाइज भी अच्छा ये फ़ोन रखा गया है और यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर रखा गया है और यहाँ पे आपको जो है डीप ब्लैक देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे कैमराज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बैक पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डाउनग्रेडेशन कर दी गई है। यहाँ पे आपको जो पहले मैक्रो सेंसर देखने को मिलता था वो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था जिसके अंदर आपको ऑटो फोकस की सहूलत भी देखने को मिलती थी, तो अब यहाँ पे उसको डाउनग्रेड करके आपको 2 मेगापिक्सल का कर दिया गया है और बाकी सारा कुछ सेंसर साइज जो है वो बिल्कुल जो है Redmi Note 10 Pro जैसे देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे मेन कैमरा जो है वो आपको 108 मेगापिक्सल का देने का मिलेगा और यहाँ पे आपको फ्रंट पे जो पंच होल है उसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की वही जैसा कि आपने रिसेंट देखी थी वैसी ही सेल्फी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंटरनल्स की बात करेंगे तो इंटरनल्स के अंदर इस फ़ोन को और थोड़ा सा यहाँ पे डीग्रेड किया गया है। पहले आपको स्नैपड्रैगन का 732G का प्रोसेसर देखने को मिलता था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर अब इस प्राइस रेंज के हिसाब से निकल जाता था। आपकी गेमिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी, आपको वहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग नहीं देखने को मिलती थी, आपको बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी और उस वक्त के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर काउंट किया जाता था मिड रेंज की सीरीज़ के अंदर। लेकिन अब जो है आपको मीडियाटेक का हीलियो G96 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि मीडियाटेक हीलियो G95 का एक अपग्रेडेड वर्जन है लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो है यहाँ पे आपको थोड़ी सी डाउनग्रेडेशन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जिस प्राइस रेंज के अंदर ये फ़ोन लॉन्च किया गया पाकिस्तानी मार्केट में 6GB वाला वेरिएंट जो है वो आपको तकरीबन 52,000 रुपये में मी स्टोर के ऊपर देने को मिलेगा और 8GB वाला वेरिएंट भी 60,000 रुपये का रखा गया लेकिन वो मार्केट में नहीं आएगा और ना ही आना है, एक बस जस्ट एक नंबर गेम के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे अगर प्राइस के हिसाब से इस प्रोसेसर को देखा जाएगा ना तो 52,000 रुपये के अंदर ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड देखा जाएगा। मेरे सामने यहाँ पे आपको कम से कम जो है स्नैपड्रैगन का 778 देखने को मिल सकता था लेकिन यहाँ पे जो है मीडियाटेक का हीलियो G96 लगा के जो शाओमी के लवर्स हैं ना उनकी जो उम्मीदों पे है ना वो यहाँ पे पानी फेर दिया गया है। गेमिंग आपकी अच्छी हो जाएगी लेकिन ये G95 से भी आपको कम गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। डे टू डे टास्क में किसी भी किस्म का यहाँ पर मसला नहीं होगा लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो लो ग्रेड रखा गया है। और मीडियाटेक के प्रोसेसर्स की
एक जो बुरी चीज़ ये है, ख़ासतौर पे हीलियम के जो प्रोसेसर होते हैं ये कुछ टाइम बाद जो है स्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डाउनग्रेड मुझे यहाँ पे देने को मिला है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये डिवाइस जो है कम्प्लीटली ओवर प्राइज्ड है। अगर आप यहाँ पे बैटरी की बात करेंगे तो वही 5000 mAh की बैटरी देने को मिलेगी और साथ में 67 वॉट का फास्ट चार्ज देने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपग्रेड रखा गया है कि 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है, साथ में आपको एक हाई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। 67 वॉट एक इनसेन फास्ट चार्जिंग है, काफ़ी जल्दी इस फ़ोन को चार्ज कर देगी। दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देने को मिलता है, और मेरे हिसाब में जनरेशन का गैप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। अब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, अब जो है एमोलेड के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है। एक जगह पे आप प्राइस को हाई रख रहे हैं और दूसरी जगह पे आप फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हैं। थोड़ा सा Xiaomi वालों को ये सोचना चाहिए था कि भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे दे सकते थे तो एक जो यूज़र है उसको एक शशका भी मिल जाता है। दूसरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का जनरेशन भी चल रही है तो यहाँ पे अगर वो दे देते तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो यहाँ पे मुझे डाउनग्रेड देने को मिली है। एक तो यहाँ पे प्रोसेसर कम रखा गया है, यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, यहाँ पे ऑटो फोकस वाला माइक्रो सेंसर ख़त्म कर दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा बल्कि कर दिया गया है। 202 ग्राम का कुछ आपको वेट देखने को मिलता है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको वेट इसका इतना फील नहीं होने वाला। ओवरऑल फ़ोन की लुक्स वाइज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब अगर सेंसर्स की बात करेंगे तो आपको गायरो का सपोर्ट, आईआर ब्लास्टर, 3.5 mm जैक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, इनमें किसी भी किस्म का इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है तो मैं आप लोग को कहूँगा कि भाई इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आने वाले वक्त में आपको रेडमी नोट 10 प्रो जो है मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस की जो है वो भी कमी देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग उसकी तरफ जा सकते हैं। Redmi Note 11 Pro को आप लोगों ने कंसीडर नहीं करना इस प्राइस रेंज के अंदर। तकरीबन 51-52 हज़ार के अंदर आपको और बहुत सारी अच्छी डिवाइसेस देखने को मिल जाती हैं, और मेरे हिसाब में जो है ये कम्प्लीटली ओवर प्राइस डिवाइस है, आप लोगों ने इसको कंसीडर नहीं करना। हाँ, अगर किसी को मॉडल नंबर से जो है ज़्यादा फ़ायदा होता है तो वो बेशक इसकी तरफ जा सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँगा और अपनी ऑडियंस की बात करूँगा तो मैं सिंसियरली एक ऑनेस्टली ओपिनियन ये देना चाहूँगा कि इस फ़ोन को कंसीडर ना करें। MediaTek का Helio G96 का प्रोसेसर 2022 के अंदर काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, आपने इसको कंसीडर नहीं करना। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ जाना है, आप आगे जो है वक्त जो है वो इन डिस्प्ले से भी अगली टेक्नोलॉजी आना शुरू होने वाली हैं, जैसा कि हमने अभी इसका वो एक जो है कैमरा बनाती है कंपनी, उसका एक स्मार्टफोन आया उसके अंदर 2-2 फिंगर्स वाले जो हैं वो स्कैनर लगाए गए हैं। तो अब जनरेशन काफ़ी ज़्यादा आगे जा रही है तो Xiaomi को इस बात पे जो है वो सोचना पड़ेगा कि भाई हमें भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए। सिर्फ फास्ट चार्जिंग देने से और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो और चीज़ें हल्की फुल्की चेंज करके जो है आपको चिपकाना शुरू कर दिया फ़ोन, तो मेरे हिसाब में आप लोगों ने इसकी तरफ नहीं जाना। आप लोग Redmi Note 10 Pro को कंसीडर कर लें, इससे बेहतर है जिस प्राइस रेंज के अंदर आप इसको ले रहे हैं, इससे कम प्राइस में आपको वो अच्छी बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। बाकी आप लोग के ख्याल में जो है Redmi Note 11 को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं कि भाई Xiaomi अगर ऐसे चलाता रहेगा अपने ब्रांड स्मार्टफोन को तो क्या आवाम इसको कंसीडर करेगी या नहीं करेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से अपनी थिंकिंग जो है वो यहाँ पे शेयर करनी थी कि भाई Redmi Note 11 Pro के बारे में मेरे जो ख्याल हैं वो ये हैं, बाकी आप लोग के ख्याल हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।